प्रदेश में बेखौफ बदमाशों का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ताजा मामला बक्सर का है, जहां अज्ञात बदमाश ने युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की जांच की जा रही है। लड़का जो था अनुसूचित जाति का, टमाटर के खेत में मचान पर बैठ उसकी रखवाली कर रहा था, रात में सोया हुआ था और वो अज्ञात अपराध कर उसको गोली मार दी और केस जो है पर दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। नाम संयुक्त में कुछ लोगों का नाम आया है सामने और तहकीकात किया जा रहा है, उसके बाद ही कुछ नहीं लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर खगड़िया में पुलिस ने छठ महापर्व पर बड़ी घटना को अंजाम देने वाले दो मोस्ट वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों से भारी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर अपराध की योजना बना रहे बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गुप्त सूचना के आधार पर लगमा गाँव में मणिकांत पंडित के घर की चारों तरफ से घेराबंदी करके जमा तलाशी लिया गया। तलाशी के क्रम में 3 देसी पिस्तौल और 12 जिंदा गोली बरामद हुई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजीव उपाध्याय और खगड़िया से आशीष की रिपोर्ट।